असली अध्यात्म आता है तो जीवन में एक और चीज लेकर के आता है, और उसका नाम है देवी अनुग्रह। कि आप लोग कहीं पर किसी भी कष्ट कठिनाई में हो, आपके अंदर संतोष लेकर के आता है, लोगों का सच्चे हृदय का प्यार लेकर के आता है, श्रद्धा लेकर के आता है, सम्मान लेकर के आता है, और एक ये भाव लेकर के आता है कि हम दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर कठिनाइयों में खड़े हों, भगवान का सपोर्ट आएगा और हम लोग वहाँ से पार हो जाएंगे। कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी तकलीफ हो, गुरुदेव का आशीर्वाद आएगा, हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। बड़ौदा के राजा थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह आ रहे थे इंग्लैंड से, अपनी पत्नी के साथ थे, नई नई शादी हुई थी, तो एकदम भयंकर नाव में तूफान आने लगा, बिल्कुल गिरने लगी। जहाज का कैप्टन भी घबरा गया, उसने कहा कि साहब डूब जाएंगे किसी भी समय। तो पत्नी ने रंजीत सिंह की ओर देखा तो देखा बड़े निश्चिंत तो बैठे हुए आराम से, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। तो उनने कहा कि साहब इतना बड़ा तूफान आया है, जहाज का कैप्टन भी घबरा रहा है, आप इतनी शांति के साथ कैसे बैठे हो, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही? तो रंजीत सिंह ने अपनी तलवार निकाली और पत्नी गर्दन पर रख दी। पत्नी बोली मजाक सूझ रहा है आपको इस समय, बताओ सब लोग डूब रहे हैं, इस समय में आप मेरी गर्दन पर तलवार रख रहे हो। तो रंजीत सिंह बोले तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोले मुझे डर क्यों लगेगा, आप मेरे पति हो, आप पे भरोसा है? तो बोले उस पर भी तो मुझे भरोसा है, वो मेरा पिता है, मुझे क्यों डुबाएगा, मुझे भगवान ऊपर बैठा है उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है, मेरा पिता है, वो मुझे क्यों डुबाने वाला है। तो दोस्तों ये भरोसा हम लोग जब यहाँ से लेकर के जाते हैं, ये संतोष अपने अंदर लेकर के जाते हैं। आप इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं, अभी आदरणीय दुबे मां जी बता रहे थे कि इतने सारे बढ़िया संकल्प यहाँ से लेकर के आए हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए सारी व्यवस्था को आप लोग लेकर के जा रहे हैं। तो जिस भाव को यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है वो ये है कि कितनी भी विषम वेला हो, कितनी भी जीवन की कठिनाइयाँ हों, कितनी भी चुनौती भरी परिस्थितियाँ हों, हमारे जीवन का जो मैप है, हमारे जीवन का जो नक्शा है, हमारे जीवन की जो योजना है, हमारे जीवन का जो तरीका है, हमारे जीवन में किस समय में कौन सी घटना कब कहाँ घटनी है, इसकी पूरी व्यवस्था परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे जन्म लेने से पहले बना दी। ऐसा कोई व्यक्ति गायत्री परिवार में नहीं है, इस बात को आप लोग लिख करके ले लीजिए। आदमी कोई सा भी रोल कर रहा हो, मंच पर चढ़ा हुआ हो, मन से नीचे बैठा हुआ हो, यहां हो, उस तरफ हो, हर व्यक्ति के लिए गुरुदेव ने उसके जीवन की व्यवस्था उसके जन्म लेने से पहले बना दी। और ये अपना जीवन उनके हाथों में पूरे विश्वास के साथ समर्पित कर देने से जो मार्ग निकल करके आता है, जो राह निकल करके आती है, जो रास्ता निकल करके आता है, वो वही होता है जो उनने हमसे हमारे लिए पहले से तय कर रखा है। तो एक भाव जो हमें दोस्तों यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है वो है आत्मसंतोष। दूसरा लोगों का प्यार, लोगों का अपनापन, लोगों की श्रद्धा। तीसरा भगवान के अनुग्रह का भाव कि जहाँ कहीं पर भी हैं भगवान हमारे ऊपर सदैव अपनी कृपा रखते हैं, सदैव अपना अनुग्रह रखते हैं, सदैव अपना आशीर्वाद रखते हैं। तो दोस्तों आज के दिन में इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जब बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि युग के परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, मैं यही कहूँगा कि हम लोगों के मन में इस भाव को बड़ी गहराई के साथ और गंभीरता के साथ विकसित होने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने हर व्यक्ति के लिए जो योजना बनाई है वो सही समय पर अपने फल को लेकर के आएगी, सही समय पर अपने अपने क्रियान्वयन को लेकर के आएगी। और इन क्षणों में मैं यही कहूँगा दोस्तों कि उस विश्वास को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता है जिस विश्वास को लेकर के हम लोग गायत्री परिवार का अंग बने। आप लोग इस बात को पूर्ण भरोसे के साथ जाना दोस्तों कि आप लोग जहाँ कहीं पर भी जाएंगे, जहाँ कहीं पर भी जाकर के आप लोग गायत्री परिवार का कोई भी कार्य करेंगे, हमारी ओर से यदि एक हाथ उठेगा तो उनकी ओर से हजार उठते हैं। हम लोग यदि एक काम करने का प्रयत्न करते हैं तो उनकी तरफ से हजारों ऊर्जाओं का बल आता है। हम लोगों को पता नहीं चलता, कई बार हम लोग ऐसी जगहों पर जाकर के खड़े हो जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि अनेकों चुनौतियां हैं, अनेकों लोग हैं जो भगवान जाने हमारा सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे, और जो भगवान पीछे से मदद बनाते हैं, भगवान जो पीछे से व्यवस्था बनाते हैं वो बिल्कुल अतुलनीय होती है, अपरिमित होती है। जब पटना का अश्वमेध होने वाला था तो लोगों को बहुत चिंता थी कि पता नहीं, उस समय में श्री लालू यादव जी जो थे मुख्यमंत्री थे बिहार के, लोगों को चिंता थी कि पता नहीं कितना सहयोग मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल रहा था। तो लोग वंदनीय माता जी के पास पहुँचे, उनसे बोले कि माता जी बहुत चिंता है, पता नहीं सहयोग मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। तो माता जी बोली कोई बात नहीं बेटा, जो लोग विरोध कर रहे हैं वही लोग झंडा लेकर के खड़े होंगे। और जब हम लोग पटना अश्वमेध के लिए गए तो जहाँ से हवाई जहाज लैंड करता है करीब 12-14 किलोमीटर पहले, जहाँ से कि इसको पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट बोलते हैं, हवाई पट्टी पे उतरने से पहले आ जाता है, वहाँ के बाद हवाई जहाज इधर उधर नहीं जाता, सीधे उतरता है। जब वहाँ उतरे तो पायलट जो था उसने वंदनीय माता जी के पैर छुए आकर के बोला, माता जी मैं भगवान जाने कब से चल रहा हूँ यहाँ पर इस सेक्टर में,
पहली बार देख रहा हूँ कि जो पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट है और वहाँ से लेके हवाई पट्टी तक सिर्फ पीला पीला दिखाई पड़ रहा है और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, पीला पीला दिखाई पड़ रहा है। और जब वहाँ पर लैंड किया तो ऐसा कोई टॉप टू द बॉटम में अधिकारी नहीं था जो माता जी के दर्शन के लिए वहाँ पर ना आया हो। इतनी लंबी लाइन, अपने कार्यकर्ताओं से हम लोग मिल पाते, उससे पहले माता जी को करीब 2.5 किलोमीटर की लाइन तो अधिकारियों की थी जिनसे मिलनी पड़ी, इन लोगों से सबसे मिलने के लिए। और वो सारे के सारे लोग अपना यज्ञ समझ करके वहाँ पर पूर्ण व्यवस्था के साथ उपस्थित थे। तो दोस्तों, कितनी भी चुनौती भरी परिस्थितियाँ हों, उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदा हमारे साथ है। तो हम लोग